मैं भारत को भारतीयता की मान्यता के आधार पर फिर से खड़ा करना चाहता हूँ, उस काम में लगा हूँ, उस काम में लगा हूँ। तो चार सूत्र हो गए। पहला सूत्र रिपीट करता हूँ, भोजन के तुरंत बाद पानी नहीं पीना, कम से कम एक घंटे बाद पीना। दूसरा सूत्र है भोजन को चबा चबा के खाना, इतना चबाना कि पानी की जरूरत ना पड़े। तीसरा सूत्र है कभी भी ठंडा पानी नहीं पीना है, पानी हमेशा हल्का गर्म गुनगुना पीना है। चौथा सूत्र है पानी घूट घूट करके पीना है, गटगट गटगट नहीं पीना है। पांचवा सूत्र है दिन की शुरुआत पानी से करनी है, माने ऊषा पानी करना। जब भी आप सोकर उठें और पहली चीज मुंह में जाए तो वो पानी ही जाए। कितना? अब आपके मन में प्रश्न आएगा, जी कितना? तो चरक ऋषि सॉरी बाणभट्ट ने कहा है कि आपके वजन के हिसाब से पानी की मात्रा तय करें। वजन कितना है उसके हिसाब से पानी की मात्रा तय करें। अलग अलग व्यक्ति के लिए अलग अलग पानी की मात्रा है। किसी का वजन अगर 70 किलो है मान लीजिए, तो उसको कम से कम 5 लीटर पानी की बात कही जाएगी। किसी का 60 किलो है तो कम से कम 4 लीटर पानी, 50 किलो है कम से कम 3 लीटर पानी। सुबह नहीं, पूरे दिन में। सुबह नहीं, पूरे दिन में। मैं जो बात कर रहा हूं कितना पानी पीना है वो पूरे दिन में। सुबह सुबह तो पी नहीं पाएंगे 4 लीटर तो अच्छे करते, पूरे दिन में। तो आपका अगर 70 किलो वजन है तो 5 लीटर पानी पक्का कर लीजिए एक दिन में। 60 किलो वजन है तो 4 लीटर पानी पक्का कर लीजिए। 50 किलो वजन है तो 3 लीटर पानी पक्का कर लीजिए। 3 लीटर से नीचे वो बोलते हैं कि किसी को नहीं पीना, क्योंकि वो बोलते हैं कि 50 किलो से अगर कम वजन है तो वो बीमार है, वो बोलते हैं कि अस्वस्थ है, उसको वजन बढ़ाने का कोई ना कोई उपाय करना ही चाहिए। तो 3-4-5 लीटर की कैटेगरी है। अगर कोई बोलेगा 80 किलो वजन है तो पानी बढ़ जाएगा, 100 किलो वजन है तो पानी बढ़ जाएगा, ये ध्यान रखें। पीने का तरीका सिर्फ करके पानी की मात्रा वजन के हिसाब से और हल्का गर्म पानी है। अब इसमें से सुबह कितना पीना है ये बात उन्होंने कैलकुलेशन करके बताई है कि जो कुल पानी आप पी रहे हैं उसका 1/3 सवेरे पी लीजिए, 1/3 सुबह का प्रहर। वो बोलते हैं कि सुबह का प्रहर, सुबह का प्रहर शुरू हो जाता है 4 बजे से लेते सूर्योदय तक, तो उतने बीच में 1/3 माने आप 3 लीटर कुल पानी पीने वाले हैं तो 1 लीटर सुबह ही पी लीजिए। 4 लीटर पीने वाले हैं तो 1.25 लीटर सुबह पी लीजिए। 5 लीटर पीने वाले हैं, 6 लीटर पीने वाले हैं, 1.5 लीटर सुबह पी लीजिए। और वो ये कहते हैं कि सिप करके पीते जाएंगे तो तकलीफ नहीं आएगी, घटकर पिएंगे तो पेट फूल जाएगा, तो धीरे धीरे पीना, सिप सिप करके पीना। और उनका ये एक छोटा सा सूत्र मैंने बहुत लोगों को अजमाया, ऐसे अभी अभी मैंने थोड़े दिन पहले एक व्यक्ति पर अजमाया। एक मेरा अपना ही दोस्त है, वो अमेरिका चला गया था पढ़ाई करके, अमेरिका में कंपनी में काम करता था। अभी उसका वजन बढ़ गया, 170 किलो हो गया, इतना वजन बढ़ गया। तो बेचारा अमेरिका से वापस आ गया क्योंकि उसको नौकरी से निकाल दिया। अब दूसरी किसी कंपनी में नौकरी नहीं मिली, तो अमेरिका में अगर नौकरी ना मिले तो रहना बड़ा मुश्किल है, तो वो वापस आ गया, अभी बेंगलोर में रहता है। तो यहां आने के बाद उसने बहुत सारे प्रयास किए, जिम्नेजियम में गया, एरोबिक्स करना शुरू किया, योग प्राणायाम सब कुछ उसने कर लिया। 3 साल के बाद भी वैसे का वैसे। फिर उसने कहा यार राजीव भाई कुछ रास्ता बताओ, कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैंने कहा भाई मेरे पास तो कुछ नया रास्ता नहीं है, बाणभट्ट ऋषि के कुछ सूत्र हैं, अगर कर सको तो पालन कर लो। कहने का क्या सूत्र? मैंने कहा भोजन के 1-1.5 घंटे बाद पानी पियो, पानी हमेशा घूट भर भर के पियो, हल्का गुनगुना पानी पियो, कभी भी सुबह उठो तो सबसे पहले पानी पियो। ये कुछ सूत्र हैं, चाहो तो पालन कर लो। उसने कर लिया पालन। आज उसको 1 साल और 7 महीने हो गए, 1 साल और 7 महीने में उसका वजन अब मात्र 70 किलो है, 170 किलो से 70 किलो है, सिर्फ ये सूत्र का पालन करने से। और मजे की बात ये है, वो खुद कहता है कि मेरे शरीर में कोई कमजोरी नहीं है, फ्रेशनेस है पहले से। सिर्फ करके पानी पीने लगा, पानी भोजन के 1.5 घंटे के बाद हल्का गुनगुना पानी, सुबह उठते ही पानी, वजन अपने आप उसका कम हो गया।
तो मैंने एक वैद्य जी को पूछा कि अब उसका 70 किलो आ गया है, आगे क्या होगा? तुम तो चिंता मत करो, इसके आगे कम नहीं होगा, घबराने की बात नहीं। तो मैंने कहा भागवत ऋषि ने इसके लिए कुछ बोला? उन्होंने कहा हां बोला। और वो बोलते हैं कि पानी जो है जब शरीर में सिमेट्री आ जाती है, समानुपात आ जाता है, तो उसके बाद वजन करना कम बंद कर देता। अब समानुपात आ गया, समानुपात क्या आ गया? ऊंचाई के हिसाब से वजन आ गया, जितनी उसकी ऊंचाई उतना वजन होना चाहिए। अब उसके बाद वो कितना भी ये करता रहे, अब इसके नीचे वजन नहीं जाएगा। कितनी अच्छी चीज है, आप सोचो हम कितनी दवाएं खाते हैं वजन कम करने के लिए, कई बार वजन कम हो भी जाता है फिर दोबारा बढ़ जाता है। बहुत लोगों को मैंने देखा है दवाई खाके वजन कम किया, वजन फिर पहले से ज्यादा बढ़ गया, उपवास करके वजन कम हुआ, कई बार उससे ज्यादा हो गया। लेकिन ये चरक ऋषि सॉरी बाघमठ का सूत्र इतना अद्भुत है कि जितना चाहिए वहीं पर लाके शरीर को छोड़ देता है। तो आप कल से शुरू कर दो, आपको कोई एक्सरसाइज होती है नहीं होती सेकेंडरी है, उपवास होता है नहीं होता सेकेंडरी है, योग प्राणायाम कर सकते हैं नहीं कर सकते सेकेंडरी है, आप कहीं जा सकते हैं घूमने टहलने सेकेंडरी है, प्राइमरी ये है चार सूत्र। भोजन के 1.5 घंटे बाद पानी पियो, पानी घूम घूम करके पियो, हल्का गुनगुना पानी पियो, सुबह की शुरुआत पानी से करो। और आप शुरू कर दो कल से, आप में से जिसको भी लगता है कि मेरा वजन ज्यादा है 4 महीने के बाद मुझे एक छोटा सा फोन कॉल करना, नहीं तो 50 पैसे का एक पोस्ट कार्ड लिखना। मैंने सैकड़ों लोगों को बताया है, एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसने फोन पर बोला हो राजीव भाई मुझे कोई फायदा नहीं हुआ, ऐसा आज तक एक भी आदमी ने बोला है। ये हमारे खान पान में स्वास्थ्य घुसा हुआ है, कैसे ये कुछ हुआ है इसके आगे की एक दो बात और सुन। ये चार तो बहुत